महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के अनंत पेठ में बोहरा कॉलोनी के द्वार पर स्थित इंद्रेश्वर महादेव 84 महादेवों में 35वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में त्वष्टा प्रजापति का पुत्र कुशध्वज था, उसको इंद्र ने बिना कारण मार डाला। इस पर क्रुद्ध होकर त्वष्टा ने अपनी जटा अग्नि में झोंक दी। उस ज्वाला से भयंकर काला वृतासुर पैदा हुआ। वृतासुर के डर से इंद्र ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। इसी बीच वृतासुर आ गया। इंद्र और वृतासुर का भयंकर युद्ध हुआ। वृतासुर ने इंद्र व अन्य देवताओं को अपने वश में कर लिया। वह स्वर्ग में राज्य करने लगा। देवगुरु बृहस्पति को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने वहां आकर इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। तब इंद्र ने गुरु से निवेदन किया कि यह राक्षस पुनः लड़ने के लिए आएगा, इसलिए इनके प्रतिकार में क्या करना चाहिए। बृहस्पति ने कहा, महाकाल वन में जाओ, वहां खंडेश्वर के दक्षिण में एक लिंग है, उसकी आराधना से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इंद्र ने महाकाल वन में आकर इस लिंग की स्तुति की। तब शिवजी ने उसे अपना तेज दिया और वृतासुर से लड़ने के लिए भेजा। इंद्र ने वृतासुर को मार दिया। भगवान शंकर की कृपा से देवताओं को अपना स्थान फिर से मिल गया। इंद्र द्वारा आराधना किए जाने से यह लिंग इंद्रेश्वर कहलाया। इंद्रेश्वर की पूजा से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।